हेलो एवरीवन, एमबीए सेकेंड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट का थ्योरी मैंने दे दिया है और मेरे बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। जहाँ विजिट करेंगे आप तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, गार्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल, ये सब मिलेंगे। तो आप उस पर विजिट कीजिए तो आपको अच्छे से ये पूरा समझ में आ जाएगा कंटेंट। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में वो टॉपिक जो मेरे वीडियोस में मिसिंग हैं और एग्ज़ाम पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उसके ब्रीफ रिकैप के लिए मैं आया हूँ। फिर से रिपीट कर दूँ, ब्रिलियंट की गाइड लीजिए, बीएनबी की बुक लीजिए, इंटरनेट का सहारा लीजिए, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए हैं उनको पढ़ते रहिए और मेरे जितने भी यूट्यूब पर बने हुए वीडियोज़ हैं और सवालों के लिए स्पेशली कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसका PDF मैं दूंगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज और कैपिटल बजटिंग, ये तीन टॉपिक अच्छे से सम्स के लिए कीजिए। फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ हमेशा थियोरिटिकल ही आती है तो तीन थियोरी तो डन है, तो हम जो टॉपिक रह गए उनको कर लें। यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जो मिसिंग टॉपिक है उसमें एक टॉपिक है लीज। लीज क्या है? पट्टा। लीज में तीन पार्टीज़ होती हैं, तो लीज में वैसे बेसिकली दो हैं, लेसर और लेसी, और कभी फाइनेंस कराते हैं तो बैंक भी आ जाता है। तो पार्टीज़ हैं, ऑनर्स हैं, यूज़र्स हैं। ऑनर कौन है? जिसने लीज दी है, और यूज़र कौन है? टेनेंट, जिसने लीज पे लिया है। बेसिकली इसमें क्या फंडा है, एक तो पार्टी हो गई, लीज जिस चीज़ की दी जाती है वो एसेट है, जैसे माइंस हो गई, ऑयल वेल्स हो गए, एट्सेट्रा। टर्म 2 साल, 5 साल, 10 साल क्या है उसका, उसको रिटर्न करना है, नी है, ये सब चीज़ें। तो लीज में बेसिक फिनोमेना होता है, पार्टीज़ होती हैं, एसेट होती हैं और लीज़ की कोई टर्म होती है। और लीज बेसिकली दो तरह की होती है। पहले लीज़ को समझ लें, किराए पर हम एसेट को लेते हैं फिक्स पीरियड के लिए, किराया चुकाते रहते हैं, पोजीशन हमारे पास होता है किराएदार के पास, और जब टेन्योर ख़त्म हो जाता है वो एसेट हैंडओवर कर दी जाती है वापस से किसके पास, जिसने पट्टे पे दी है, मतलब लेसर। दो तरह की लीज़ होती है, ऑपरेटिंग लीज़ और फाइनेंशियल लीज़। फाइनेंशियल लीज़ जो है वो लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, 80 साल, 90 साल, 100 साल, जैसे माइनिंग है ना, कोल माइनिंग हो गई या डायमंड की हो गई या ऑयल वेल्स हो गई, तो जिस लीज़ का पीरियड टेन्यूअर उसकी लाइफ टाइम के बराबर हो जाए, भाई मान लीजिए 80 साल की माइन है तो माइन की लाइफ इतनी होती है, तो लगभग लगभग ऑलमोस्ट उसकी पूरी लाइफ कवर हो जाती है, वो लीज़ का नाम है फाइनेंशियल लीज़। और ऑपरेटिंग लीज़ इस तरह से है, जैसे कोई लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम आपने किसी साइबर कैफे वाले को दे दिया, सपोज़ 5 कंप्यूटर हैं तो 2 साल के लिए दिया, तो जिस लीज़ का टेन्यूअर 2 साल, 5 साल का है वो ऑपरेटिंग लीज़ है, थोड़े समय के लिए है। और जिसका लाइफ टाइम ही पूरी लीज़ में कवर हो जाए, जैसे माइंस वगैरह, वो फाइनेंशियल लीज है। बेसिक डिफरेंस इसका ये है, फाइनेंशियल लीज लॉन्गर टर्म के लिए होती है, 80 साल, 70 साल। माइंस इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे टाटा ने इतनी सारी माइंस ले रखी, कोल माइंस, वो फाइनेंशियल लीज के एग्जांपल है। और ऑपरेटिंग लीज वो है जिसको, जिसमें एसेट को लिमिटेड पीरियड के लिए यूज़ करने के लिए लिया जाता है और एसेट को वापस लौटा दिया जाता है। लीज फाइनेंसिंग क्या है? हम कोई चीज़ लीज पे ले रहे हैं तो बैंक से फंडिंग कराते हैं, उसका नाम क्या है? लीज फाइनेंसिंग। अब वो लीज फाइनेंसिंग की मोडालिटी क्या है, वर्किंग कैपिटल के लिए है कि फिक्स्ड एसेट्स के लिए, वो देखना पड़ेगा, उस टर्म का नाम है लीज फाइनेंसिंग। एक क्वेश्चन आता है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। हम 4 तरह से फंड रेज करते हैं, इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिबेंचर से और रिटेंड अर्निंग से। इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर लोन है और रिटेंड अर्निंग घर का पैसा है। 4 तरह के सोर्सेस से जब हम फंड रेस करते हैं उसकी ब्लेंडिंग और कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। अब मैं 50-50 रखूं, 25-25-25-25 रखूं, 10-25-30-40 ऐसा रखूं, जो भी मेरा कॉम्बिनेशन करूं उसका नाम क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स एंड रिटेंड अर्निंग, और उसके अलग अलग प्रपोजिशन को क्या बोला जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। तो क्या देखूंगा एक अच्छे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में? तो उसके पहले देखूंगा मैं कैपिटल स्ट्रक्चर मेरा प्रॉफिटेबल हो, सॉल्वेंसी हो, मेरा पैसा डूबे नहीं, फ्लेक्सिबल हो, कैपेसिटी हो मैं चुका सकूं, और मेरा कंट्रोल उस पर है। जैसे इक्विटी 51% से ज़्यादा होगी तो कंट्रोल कंपनी का होगा, अदरवाइज डिबेंचर होल्डर का 51% हो गया तो कंट्रोल उनका हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है ऑप्टिमम या ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। पहला, ऑप्टिमम का मतलब उपयुक्त, उचित, जिसकी लागत कम हो, रिस्क कम हो, रिटर्न मैक्सिमम हो, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम। तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर किस किस का बन रहा है? के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के पी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, के डी कॉस्ट ऑफ डेट, और के आर कॉस्ट ऑफ रिटेंड अर्निंग। कॉस्ट को के से दिखाते हैं। यह है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या है ये? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका वीडियो बना हुआ है, पर इन चारों के कॉम्बिनेशन को, इक्विटी के, प्रेफरेंस के, डिबेंचर के और रिटेन अर्निंग के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं? रिस्क मेरी मिनिमम हो, कॉस्ट मेरी मिनिमम हो, कंट्रोल मेरा ही हो और फ्लेक्सिबिलिटी बराबर हो। तो ऊपर के ही पॉइंट को जो कवर कर रहे हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए पेपर में क्वेश्चन कॉमन है,
व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट्स ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट्स डिविडेंड पॉलिसी, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैपिटल इन्वेंट्री बजटिंग, फिर इन्वेंट्री कंट्रोल और वर्किंग कैपिटल, तो सबके फैक्टर्स क्या हैं कॉमन ही हैं, जैसे सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कैपेसिटी कंट्रोल, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम रिस्क, ये फिनोमेना हर में है। तो फैक्टर्स लिखते समय फैक्टर्स कुछ कॉमन याद कर लीजिए, जब भी क्वेश्चन आए तो टॉपिक बदल जाएगा, बाकी जो पॉइंट्स रहेंगे वो लगभग सेम रहेंगे। एक और क्वेश्चन है, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या अप्रोचेस हैं, एक का नाम है NI और एक का नाम है NOI, ये दोनों मिस्टर डूरंड ने बनाई थी, DURANT डूरंड, पढ़िएगा आप। उसमें उन्होंने बोला था NI अप्रोच बोलती है कि फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, NI और NOI दो तरह के फिनोमिना है, इसको आप पढ़िएगा, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दोनों अप्रोच जो है वो मिस्टर डूरंड की है, और MM का नाम है मोदी गिलानी एंड मिलर, ये भी वीडियो मेरा बना हुआ है पर फिर भी देखिएगा। तो नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है, इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी। ये दो थ्योरी में एक थ्योरी बोलती है कि फ़र्क नहीं पड़ता कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्म की वेल्थ पे और वैल्यू पे, एक अप्रोच बोलती फ़र्क पड़ता है, और मोदी गिलानी मिलर का नाम ही इरेलीवेंट थ्योरी है, वो तो बोलती है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या ध्यान रखना है, डूरंड की दो थ्योरी का नाम NI और NOI है, एक थ्योरी इसमें वो है जिसमें बोलते हैं वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्म की वैल्यू पे फर्क पड़ता है, एक थ्योरी बोलती है फर्म का फर्क वैल्यू का फर्क नहीं पड़ता। अब आपको ये याद रखना है कि ये दोनों थ्योरी प्रपोजिशन किसकी हैं, डूरंड की है, लेकिन इसके ठीक इतर MM मोदी गिलानी मिलर वो तो बोलता है फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको बोलते हैं इरिलीवेंसी थ्योरी। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन में आया था कि मोदी गिलानी मिलर थ्योरी जो है डिविडेंड की हो, कैपिटल स्ट्रक्चर की हो, सबकी कॉमन थ्योरी है कि उसको क्रिटिकली एग्जामिन करो। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप घर पे जब बुक्स खोलें तो आपको पता हो, या इंटरनेट खोलें, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो मिस्टर डूरंड की है, और एक है MM अप्रोच मोदी गिलानी एंड मिलर, ये तीनों डिविडेंड में भी चलती है, ये तीनों कैपिटल स्ट्रक्चर में चलती है। इन थ्योरी में क्या लिखा है, इस थ्योरी में एक ही कॉइन के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक बोलती फ़र्क पड़ता है, किसका फ़र्क, कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्म की वैल्यू पे, और एक बोलती फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़िएगा उसको, और मोदी गिलानी तो बोलती कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो कहने का आशय क्या हुआ, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी कितनी है, तीन है, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, मोदी गिलानी मिलर। कोई पूछे कैपिटल स्ट्रक्चर का ऑप्टिमम क्या देखोगे, मिनिमम रिस्क, मिनिमम कॉस्ट, कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी एट्सेट्रा। कोई पूछे आपसे लीज क्या है, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग। अब आपसे कोई पूछे इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, रिसीवेबल मैनेजमेंट का क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नाम का एक चैप्टर है जिसका PPT मेरा बना हुआ है, इसके साथ में दो टॉपिक हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट। क्या नाम है, रिसीवेबल मैनेजमेंट। आप ध्यान से समझिएगा, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब हुआ मुझे किसी से पैसा लेना है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब है मेरे पास जो स्टॉक है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, इन दोनों को ऑप्टिमम यूज़ करना, इसी का नाम क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट में क्या बताया जाता है, पहला, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पीरियड में रिकवर कर लूँ, मेरा पैसा उलझा हुआ नहीं रहे, मेरा डेटर कलेक्शन बहुत प्रॉपर हो, इसका नाम है रिसीवेबल मैनेजमेंट, कि आपका पैसा लंबे समय तक उलझे नहीं, इस टॉपिक का नाम है रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये वर्किंग कैपिटल का हिस्सा है। और एक का नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि मेरा जो इन्वेंट्री है वो इस तरीके से कंट्रोल हो जिससे मेरा लॉस इन्वेंट्री का कम हो। तो पहले तो सब्जेक्ट समझें, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के आगे है रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल। रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब है मेरा पैसा जिससे मुझको रिसीव करना है उसका पीरियड क्या होना चाहिए, कम, ताकि मेरा बैड डेट्स नहीं हो, तो ऑप्टिमम रिसीवेबल मैनेजमेंट हो, पैसा न डूबे, जल्दी पैसा मुझे मिल जाए, तो उसके भी फैक्टर्स आप पढ़िएगा। दूसरा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पास इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, उसको मैं कंट्रोल कैसे करूं? तो एक का नाम है ABC, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसमें क्या होता है, जो अच्छे आइटम है वो A में रखूंगा, जो कम कीमत के हैं वो B में रखूंगा, और कम कीमत के आइटम कहाँ रखूंगा, C में, इससे मैं इन्वेंट्री कंट्रोल करूंगा। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मैं उतना ही मंगाऊंगा जितनी मेरी ज़रूरत है, ज़्यादा मंगाऊंगा तो खराब हो जाएगा, कम मंगाऊंगा तो मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं। फिर है जस्ट इन टाइम, JIT, यह जापानीज टेक्निक है, जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, उतना ही मैं मंगाऊंगा ताकि एक्सेस मुझे इन्वेंट्री को रखने की रिक्वायरमेंट न रहे। VED, वाइटल, इसेंशियल, डिज़ायरेबल। वाइटल में सबसे इंपॉर्टेंट आइटम, इसेंशियल में ज़रूरी,
डिज़ायरेबल में, मतलब ये होना चाहिए। इस तरह से मैं तीन कैटेगरी बनाऊंगा माल की। FSN, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग जल्दी बिकने वाला ज़्यादा रखूंगा, स्लो मूविंग कम रखूंगा, नॉन मूविंग डॉर्मेंट स्टॉक है कम रखूंगा। तो ये इन्वेंट्री की क्या है, टेक्निक है, जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो आपने ये पढ़ लिया। रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब है मुझे पैसा रिसीव करना है किसी से, तो वो इस तरह से रिसीव करूँ कि मेरा पीरियड जो है वो क्या होना चाहिए, कम। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक का नाम है क्रेडिट पॉलिसी। जब मैं किसी को उधार ही क्या देख कर दूंगा, कैरेक्टर, चरित्र को देखकर, कैपेसिटी चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, और कंडीशन किस किसी फाइनेंशियल कंडीशन सही है नहीं। तो दो तरह की पॉलिसी हो गई। एक और बात, ये क्रेडिट पॉलिसी RBI वाली नहीं है, ये क्रेडिट पॉलिसी है वर्किंग कैपिटल की, जहां हम किसी को उधार दे रहे हैं। तो एक होती है लिबरल इजी, और एक होती है हार्श क्रेडिट पॉलिसी। मैं वो कहना चाह रहा हूँ क्रेडिट पॉलिसी किस तरीके की होगी वो डिपेंड किस पे करेगा, सामने वाली पार्टी के कैरेक्टर, कैपेसिटी और कंडीशन पे। और क्रेडिट पॉलिसी ही एसोसिएटेड किससे है, रिसीवेबल मैनेजमेंट से। रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब है मैंने किसी को उधार दिया, उससे मुझे पैसा लेना है, कितनी क्विकली मैं उसको सॉफ्टली पैसा रिकवर कर पाता हूँ, उसको बोलते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट। और जब मैं रिसीवेबल मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो वर्किंग कैपिटल में एक टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि जो मेरा स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, या फिनिश्ड गुड्स है, या स्टोर्स है, स्पेयर्स है, उनको मैं किन मेथड से कंट्रोल करता हूँ। एक का नाम है ऑलवेज बेटर कंट्रोल ABC, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, GIT जस्ट इन टाइम, VED वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल, और FSN फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। तो इस तरीके से मैंने क्या करा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में जो टॉपिक्स मेरे YouTube के चैनल पे नहीं है उनको कवर कर लिया है, लीज कर लिया है, लीज की टाइप्स कवर कर ली, कैपिटल स्ट्रक्चर कवर करा, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कवर करा, तीन थ्योरी बताई, NI, NOI, MM, दोनों थ्योरी में से एक बोलती है फ़र्क पड़ता है, एक बोलती है फ़र्क नहीं पड़ता है, और मोदी गिलानी मिलर बोलती है फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क नहीं पड़ता, कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्म की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, पढ़ना पड़ेगा नेट से और बुक से। इसके अलावा एक टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वो मेरा PPT रेडी है। उसके पीछे दो टॉपिक है जो लास्ट ईयर आए थे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा चुका हूँ, रिसीवेबल मैनेजमेंट पूरा कनेक्टेड किससे है, क्रेडिट पॉलिसी से। जितनी मेरी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी होगी, मैं उतना लंबे समय के लिए उधार दूंगा तो रिस्क भी मेरी डूबने की ज़्यादा होगी, और जितनी मेरी मॉडरेट या ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी होगी और पार्टी को मैं कैरेक्टर, कैपेसिटी और कंडीशन के आधार पर लोन दूंगा, उतना ही अच्छा मेरा रिसीवेबल मैनेजमेंट होगा, और मेरे बैड डेट्स होने की संभावना क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को पढ़ा। अब कुछ बातें रिपीट करूं, एक कैपिटल बजटिंग का सवाल आता है, एक लेवरेज का आता है, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आता है। उसको आप करें, उसके PDF भी आपको समय पे मिलेंगे, बुक लीजिए ब्रिलियंट की, और भी इंटरनेट है उसका सहारा लीजिए। थियोरी में क्या क्या आ सकता है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट में थियोरी और सवाल, थर्ड यूनिट में सवाल और थ्योरी, फोर्थ में थ्योरी ही आती है जिसका नाम है डिविडेंड, अच्छे से करिए, बना रखा है PPT, और फिफ्थ यूनिट का टॉपिक का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट। और जाते जाते एक बात बोलूँ, कभी भी किसी क्वेश्चन में फैक्टर्स आ जाएँ तो फैक्टर्स सबके कॉमन ही होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, कैपेसिटी, कंट्रोल, मिनिमम कॉस्ट, ये सारे फैक्टर्स डिविडेंड में भी हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी हैं, रिसीवेबल मैनेजमेंट में भी हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी हैं। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को पूरा पढ़िएगा और मेरे YouTube के सारे वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।